2022 में ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने और सभी इंडियंस इससे बहुत खुश हो रहे थे। पर क्या आपको पता है कि ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति की नेट वर्थ 837 मिलियन डॉलर्स है। अक्षता मूर्ति जो कि इंफोसिस के फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं, उनकी अकेले की नेटवर्थ 721 मिलियन डॉलर्स है, यानी 5,927 करोड़ रुपए, जो कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू से भी ज्यादा है। पर सवाल ये है कि अक्षता मूर्ति इतनी अमीर क्यों है? अक्षता मूर्ति की मैक्सिमम वेल्थ छुपी है इंफोसिस कंपनी के शेयर्स में। मिसेज मूर्ति के पास इंफोसिस के 3.89 करोड़ शेयर्स हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 2022 में ही उन्हें 126.6 करोड़ का डिविडेंड मिला। और सिर्फ अक्षता मूर्ति ही क्यों, राकेश झुंझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुंझुनवाला को भी 2022 में 34 करोड़ का डिविडेंड मिला, क्योंकि उनके पास टाइटन के 4.48 करोड़ शेयर्स थे और कंपनी ने हर एक शेयर के लिए 7.5 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। वहीं पर वॉरेन बफेट को 2022 में कोका कोला कंपनी ने 40 करोड़ शेयर्स के लिए 5,810 करोड़ का डिविडेंड दिया। यानी अगर हम अच्छे कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं तो उससे शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में हमें डिविडेंड भी मिल सकता है। अब ये सुनकर हम में से कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही फेमस लोग थे, क्या कोई आम इंसान की केस स्टडीज हैं जिनमें वो डिविडेंड से अमीर बने हो? तो इससे पहले कि हम डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फॉर्मूला देखें, हम तीन मिडिल क्लास लोगों के एग्जांपल देखते हैं जो डिविडेंड से अमीर बने। इनमें सबसे पहला नाम आता है हेफोर्ड पियर्स। पियर्स प्रोफेशन से एक साइंस फिक्शन और मिस्ट्री राइटर है और इन्हें लोग डिविडेंड मिलियनर के नाम से भी जानते हैं। जब वो 53 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज किया और अपने सारी कंपनीज को दो लिस्ट में डिवाइड किया। पहली लिस्ट उन्होंने वो बनाई जो ज्यादा डिविडेंड तो देती थी पर एज अ होल कंपनी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी। सेकंड लिस्ट उन्होंने उस कंपनीज की बनाई जो डिविडेंड भी ज्यादा देती थी लेकिन खुद वो कंपनीज भी हर साल ग्रो कर रही थी, जैसे कि कोका कोला, जॉनसन एंड जॉनसन, केलॉग, फाइजर और फिलिप मॉरिस। इसके बाद पियर्स ने 30 साल का प्लान बनाया। उन्होंने एस्टिमेट किया कि अगर उनका डिविडेंड 30 साल तक हर साल 10% से ग्रो करता रहे तो वो मिलियनर बन सकते हैं। अब एक्चुअल में उनका डिविडेंड हर साल 10% से ग्रो तो नहीं हुआ, लेकिन वो 8.54% के एवरेज से ग्रो किया और ये परसेंटेज काफी था उन्हें डिविडेंड मिलियनर बनाने के लिए। 1995 से 2017 तक पियर्स ने डिविडेंड से $1 मिलियन से भी ज्यादा कमाया। तो मिस्टर पियर्स की स्टोरी से हमें तीन चीजें सीखने को मिलती है। 1, ही मेड अ प्लान, यानी उन्होंने सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। 2, ही केप्ट स्कोर, जो कंपनीज हर साल डिविडेंड इंक्रीज करी थी उन्होंने उनमें ज्यादा इन्वेस्ट किया और हर साल वो देखते रहे कि कितने पैसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं। एंड 3, ही मेड हिज पोर्टफोलियो वर्क फॉर हिम, यानी अगर उन्होंने प्लान बनाया तो 30 साल तक वो उस प्लान को फॉलो भी करते रहे। तो अब सवाल आता है कि क्या पियर्स का प्लान परफेक्ट था? ऑब्वियसली नॉट। पियर्स ने खुद एक्सेप्ट किया था कि अगर उन्होंने डिविडेंड को रीइन्वेस्ट किया होता तो उनका पोर्टफोलियो $10 मिलियन से भी ज्यादा होता, बट क्योंकि उनके पास डिविडेंड के अलावा कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था इसलिए वो उसे रीइन्वेस्ट नहीं कर पाए। सेकंड अमेजिंग स्टोरी आती है एक लोअर मिडिल क्लास औरत जिनका नाम था एनी श्राइबर। एनी ने कॉलेज पास करके लॉ स्कूल से स्टडीज कंप्लीट करी और वो IRS ऑडिटर की पोस्ट पर काम करती रही। पूरे करियर में वो एक बार भी प्रमोट नहीं की गई। 1944 में 51 साल की उम्र में जब वो रिटायर हुई तो उन्हें हर साल सिर्फ $3,150 एनुअल पेंशन मिलती। इसके अलावा उनके पास सिर्फ $5,000 की सेविंग थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक मिलियनर बनी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर साल वो 80% इनकम अपनी सेव करती थी, जो कि USA में एवरेज सेविंग से बहुत ज्यादा है। उन्होंने स्टॉक लिए और उससे मिलने वाले डिविडेंड को रीइन्वेस्ट भी किया। एनी सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक बाय करती थी जिन्हें वो अच्छे से जानती थी। उनके पोर्टफोलियो में पेप्सी, कोका कोला, क्राइसलर, फाइजर, पैरामाउंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज थी। 1944 में जब उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक्स को लिया तो ये कंपनीज बहुत छोटी थी, जो आगे जाकर मैसिव डिविडेंड एंड वेल्थ जनरेटर कंपनीज बनी। उनकी एज के एंड में उनकी नेटवर्थ $22 मिलियन पहुंच चुकी थी, जो कि उन्होंने येशिवा यूनिवर्सिटी स्टर्न कॉलेज फॉर वुमेन और न्यूयॉर्क सिटी के एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल ऑफ मेडिसिन को दे दी थी। थर्ड केस स्टडी आती है कर्ट डेगरमैन की। कर्ट स्वीडन में बॉटलें और कैन को कलेक्ट करके उन्हें रिसाइकल का काम करते थे। कर्ट ने कभी भी हाई स्कूल भी पास नहीं किया था और सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने इन्वेस्टिंग सीखना स्टार्ट किया था। वो लोकल लाइब्रेरी में जाके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ते और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की नॉलेज गेन करते। वो बाकी इन्वेस्टर्स की तरह ज्यादा नहीं जी पाए और उनकी डेथ 60 की एज में होगी, लेकिन इसके बावजूद कर्ट ने डिविडेंड इन्वेस्टिंग में शॉर्ट स्पैन में ही $4 मिलियन कमाए। तो इन सब स्टोरी से इंस्पायर होकर मेन सवाल ये आता है कि डिविडेंड है क्या और हम डिविडेंड वाली अच्छी कंपनीज ढूंढ कैसे सकते हैं। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी जो भी पैसा हर साल अर्न करती है उसका कुछ हिस्सा अगर वो चाहे तो वो अपने इन्वेस्टर्स को पे कर सकती है और इसी अमाउंट को हम डिविडेंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी एक है जॉनसन एंड जॉनसन, जिसमें अगर किसी ने 1985 में इस कंपनी में 4.12 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो उसे आज भी हर साल 5.86 लाख रुपीस मिल रहे होते, जो कि इन्वेस्टर
लिमिटेड अमाउंट से भी ज्यादा है। इसके अलावा उसके शेयर की वैल्यू से हम करोड़पति तो बन ही चुके होते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्चुअल में करनी कैसे है। तो चार्ल्स बी कार्लसन अपनी बुक अ लिटिल बुक ऑन बिग डिविडेंड में लिखते हैं कि एक 5-स्टेप फॉर्मूला है जिससे हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला रूल आता है कि डू नॉट कंपेयर बैंक इंटरेस्ट विद डिविडेंड यील्ड। जिन्हें नहीं पता तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है कि एक साल में हमें कितना डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाय उसका शेयर प्राइस कितना है। ये कुछ बैंक के इंटरेस्ट की तरह ही है जिसका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है कि हमें एक साल में बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला डिवाइडेड बाय हमने बैंक में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि डिविडेंड यील्ड को बैंक इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम वन, डिविडेंड यील्ड तो शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है और क्योंकि शेयर प्राइस अगर किसी स्टॉक का कम हो जाएगा तो उसकी डिविडेंड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी जिससे हम गलत कंक्लूजन में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 रुपए के शेयर प्राइस में 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डिविडेंड यील्ड 10/100 यानी 10% है। लेकिन अगर शेयर प्राइस इसका 50 हो गया तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10/50 20% हो जाएगा और हम सोचेंगे कि वाओ ये तो बैंक के 7% इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा है तो इसी कंपनी को ले लेना चाहिए। जैसे कि 2008 के क्राइसिस में बहुत सी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 20-25% तक पहुंच गया था। ये कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ था बल्कि शेयर प्राइस कम होने की वजह से हुआ था। डिविडेंड यील्ड से कंपनी सिलेक्ट करने का दूसरा गलत रीजन है कि अगर डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है तो ये भी अच्छा साइन नहीं है क्योंकि अगर कंपनी सारा पैसा डिविडेंड में ही दे रही है तो फिर वो खुद किस पैसे से ग्रो करेगी। फॉर एग्जांपल 2007 में अमेरिका में कंपनी थी जिसका नाम था थॉर्नबर्ग मॉर्टगेज। वो 20% डिविडेंड यील्ड दे रही थी और जिन इन्वेस्टर्स ने इस वजह से इस कंपनी के शेयर खरीदे उन सबको पछताना पड़ा क्योंकि 2009 में ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। रूल सेकंड, कीप एन आई ऑन पेआउट रेशियो। लेमन टर्म्स में बात करें तो पेआउट रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है में से कितना पैसा वो डिविडेंड में दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 2 रुपए पर शेयर कमा रही है और 1 रुपए पर शेयर डिविडेंड में दे रही है तो डिविडेंड पेआउट रेशियो 1/2 50% हो गया। लेकिन अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पेआउट रेशियो भी बहुत ज्यादा है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसका अगेन यही मतलब है कि कंपनी को खुद भी पैसे चाहिए ग्रो करने के लिए। कार्लसन के अकॉर्डिंग 60% से ज्यादा पेआउट रेशियो कंपनी का नहीं होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया जो कार्लसन अपनी बुक में बताते हैं वो है क्वाड्रिक स्कोर। अब क्वाड्रिक स्कोर निकालने के लिए कंपनी के 100 नंबर चाहिए जो कि एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए काफी डिफिकल्ट है। लेकिन कार्लसन ने अपनी वेबसाइट bigsafedividends.com में US की टॉप 1500 कंपनीज S&P 1500 का क्वाड्रिक स्कोर निकाला हुआ है और वो बोलते हैं कि उन्हीं कंपनीज में डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट किया जाए जिसका क्वाड्रिक स्कोर 75 से ज्यादा हो। अब अगर हम US की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए डेटा यूजफुल हो सकता है कंपनीज को स्क्रीन करने के लिए। रूल 3, द पावर ऑफ रीइन्वेस्टिंग। के शुरू में ही हमने हेफर्ड पियर्स का एग्जांपल लिया था जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि अगर वो अपने डिविडेंड्स को दोबारा से रीइन्वेस्ट करते तो उनका पोर्टफोलियो 10 times बड़ा होता और ऑब्वियसली हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर हमने रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन पढ़ी है तो उसमें हमने ये लेसन जरूर सीखा होगा कि रियल वेल्थ अपने पैसे को रीइन्वेस्ट करने से आती है। हमारा एक गोल्ड कॉइन छोटे छोटे गोल्ड कॉइन्स क्रिएट करना चाहिए और वो आगे अपने बच्चे। वैसे इस बुक में दिए गए सारे लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी फ्री बुक समरी हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारे इन्वेस्टिंग और मनी से रिलेटेड बुक्स हैं जिन्हें हम ट्रैवलिंग करते हुए सुन सकते हैं ताकि इस टाइम को भी हम यूटिलाइज कर सके क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं हम उनसे पीछे ना रह जाएं। इस ऐप को 1.5 लाख लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। देखिए अपने डिविडेंड्स को बार बार रीइन्वेस्ट करने से हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हर साल बढ़ते रहते हैं जिससे हमें और ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और इस कंपाउंडिंग साइकिल की वजह से हमारी वेल्थ ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लगेगी। रूल 4, बाइंग जस्ट बिफोर डिविडेंड डे। ये पॉइंट कहता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो कंपनी के डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ही शेयर्स खरीद लेंगे और जैसे ही उन्हें डिविडेंड मिल जाएगा वो शेयर्स को बेच देंगे। लेकिन इससे ओवरऑल फायदा नहीं होता। इसे एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि 20 अगस्त 2020 को इंफोसिस अनाउंस करती है कि वो डिविडेंड हर शेयर के लिए 9.5 रुपए देगी। वो अपनी एक्स डिविडेंड डेट को अनाउंस करती है अक्टूबर 1, 2020, जिसका मतलब है कि जिसके पास इस दिन कंपनी के शेयर्स थे सिर्फ उन्हीं को ही डिविडेंड मिलेगा। तो आप डिसाइड करते हो कि आप 30 सितंबर 2020 को कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लोगे ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए। लेट से कि 30 सितंबर 2020 को इंफोसिस का एक शेयर 1000 रुपए का था तो आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए यानी आपको 100 शेयर्स मिल गए। अब 9.5 रुपए के हिसाब से आपको 100 × 9.5 950 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब होगा ये कि अक्टूबर 1, 2020 को एक्स डिविडेंड डेट के दिन इंफोसिस का शेयर का प्राइस गिर जाएगा क्योंकि आपकी तरह बाकी लोग भी सोच रहे हैं। तो लेट से कि अगर इंफोसिस का शेयर का प्राइस पहले 1000 रुपए था और वो गिर के 990.5 रुपए हो गया है, जिसका मतलब है कि आपके 100 शेयर के प्राइस 990.5 × 100 = 99050 रुपीज हो गया है और साथ में आपको 950 रुपए के डिविडेंड्स मिले। तो ओवरऑल जो आपके पैसे थे वो उतने ही रहे, साथ में आपने इतनी मेहनत भी करी और टैक्सेस और बाकी फीस एक्स्ट्रा। इन शॉर्ट ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है।
रूल 5, करेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ऑथर कहते हैं कि सेफ साइड रहने के लिए हमें चार तरीके से अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मेथड 1, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट्स। गोल ये है कि हम ऐसे एसेट्स ओन करें जो एक दूसरे के साथ ज्यादा कोरिलेटेड ना हो, जैसे कि शेयर्स के साथ हमारे पास बॉन्ड्स या फिर गोल्ड हो सकता है, ताकि अगर एक एसेट थोड़े टाइम के लिए डिप करता है तो भी हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन विद एसेट्स, यानी हम हर एसेट ग्रुप के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो हम लार्ज, स्मॉल और मिड साइज कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस टाइम, यानी कि हमने शेयर तब भी खरीदे हो जब कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा हो और कम भी हो। ऑल्दो हम सब चाहते हैं कि हम शेयर्स तब खरीदे जब शेयर का प्राइस कम हो, लेकिन शेयर का प्राइस कम होता है क्राइसिस की वजह से, और क्राइसिस के टाइम में बहुत से लोग करेज नहीं जुटा पाते शेयर्स खरीदने के लिए। इसलिए डिविडेंड रीइन्वेस्टिंग इसमें हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। यानी हमने खुद के लिए रूल बना लिया है कि जैसे ही हमें डिविडेंड मिलेगा हम शेयर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे फिर उस टाइम शेयर का प्राइस कुछ भी चल रहा हो। फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन क्रॉस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यानी अगर हमारी एक स्ट्रैटेजी ये है कि हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि हमने कुछ डिविडेंड वाली कंपनीज के भी शेयर्स खरीदे हुए हैं। देखिए, बहुत से एक्सपर्ट्स डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट डिविडेंड को नहीं। अगर एक बार किसी कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड दे भी दिया तो भी वो कॉन्स्टेंटली हर साल डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए कंपनी को हर साल एक्चुअल में अर्न करना पड़ेगा। तो इसे काउंटर लॉजिक ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही वो अच्छी कंपनीज नहीं है? तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे कभी डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वॉरेन उन पैसों को कंपनी को ग्रो करने में यूज करना चाहते हैं ताकि शेयर का प्राइस इंक्रीज होता रहे। अगर किसी इन्वेस्टर्स को पैसे की जरूरत है तो वो शेयर बेच के पैसे ले सकता है, उनके अकॉर्डिंग डिविडेंड की क्या जरूरत है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अक्षता मूर्ति का एग्जाम्पल देखा कि 2022 में उन्हें 126 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड मिला था। उसके बाद हमने तीन मिडिल क्लास लोगों की स्टोरीज देखी जो डिविडेंड मिलियनेयर बने। फिर हमने लिटिल बुक ऑन बिग डिविडेंड से 5 लेसन सीखे। लेसन 1 ये था कि डिविडेंड यील्ड को बैंक इंटरेस्ट के साथ कंपेयर मत करो। लेसन 2 ये था कि पे आउट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक है, लेकिन 60% से भी ज्यादा ये नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सारा पैसा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है तो कंपनी खुद को ग्रो करने के लिए क्या कर रही है। थर्ड, बार बार अपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट करते रहो ताकि कंपाउंडिंग का हमें बेनिफिट मिले। फोर्थ, डिविडेंड की डेट से जस्ट पहले शेयर्स खरीदना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, ओवरऑल इसमें नुकसान ही होता है या फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिफ्थ, चार तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। 1, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट्स। 2, एसेट्स के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करो। 3, टाइम डाइवर्सिफिकेशन करो। और 4, स्ट्रेटजी में भी डाइवर्सिफिकेशन करो। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी भी हमने रेकमेंड करी थी, जिसके लिए हमने गीगल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट मैन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।